बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तिदा है रब जली रही मुकरम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेदों को खूबता जानने वाला है। नाज़रीन इकराम, आज 5 सितंबर पर सोमवार 2022 का ये दिन और मरी और गलियात का मौसम आज अबर आलूद है। तकरीबन 10 दिन के बाद आज एक बार फिर बारिश और बाद दोबारा का सिलसिला शुरू हुआ है और आज रात के से यहाँ पर वक्फे से बारिश हो रही है। अगरचि इस वक्त बारिश का सिलसिला थम गया है लेकिन इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादल मौजूद हैं और जो किसी वक्त भी बरसने के लिए तैयार हैं। और महकमे मौसमियात ने भी ये पेशनगोई की है कि अगर चंद दिन तक बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है तो ये इस तरह वैसे तो तबाही मचाई है मानसून ने और गुज़श्ता कई साल का रिकॉर्ड टूट गया है और तकरीबन यहाँ पे 500 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस साल मानसून ने। और वह सिलसिला जो 10 दिन तक मौकूफ़ रहा है, 26 अगस्त को ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म हुआ था और आज 5 सितंबर है और आज दोबारा ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। और इस वक्त अगर बारिश का सिलसिला थम गया है लेकिन इसमें बादल मौजूद और इस वक्त दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। और ये आप इस खूबसूरत मौसम को मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये एक सरसब्ज़ शादाब जंगल और इसमें गिली हुई एक वादी है और ये दूर दूर तक का स्क्रीन पर इन पहाड़ों में बसने वाले लोगों की आबादियों को देख सकते हैं। ये टिमटिमाते हुए जो चीते नज़र आ रही हैं ये बाकायदा घर है और पजीर हैं। और ये कहूँ कि इतिहास को ये इतिहास जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं रिहाइश अदा करते हैं। ये दसवीं और इस सिलसिला होता है जो दूर दूर तक चला जाता है और ये इलाके की आबादी होती है इनके लिए इस तरह के ट्रैक्स निकाले जाते हैं। ये सड़कें होती हैं और इन तक ट्रैवल करते हैं ये इलाका छंग नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर खूबसूरत अंतरिक्ष मनाजिर आप सक्रिय देख रहे हैं जहाँ पर थोड़ी कंजेस्टेड आबादी होती है वो इस तरह की नज़र होते हैं जिसके ये लोगों के घर हैं। ये छंग देख पा रहे हैं। इस वक्त भी हल्की रिम जिम का सिलसिला जारी है और ये अगर मैं फोकस करके आपको करीब करके दिखा सकूँ तो ये छांगला गली के मनाजर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुल्क का बहुत ही सियाती मनाजर पूर्ण वासी यहाँ पर सियात है और मौसम को इंजॉय है ये देख सकते हैं। इस वक्त भी आपको बादल मौजूद लेकिन इन बादलों की ओर से सूरज अपने आप उगना दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बादल आदमी को सूरज सामने नहीं आ पाता। यही हर साल ज़्यादा सिलसिला रहा है कि सूरज ये बादल जिस तरह हमेशा आदमी नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान में बारिशों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पूरे पाकिस्तान का इस वक्त के बेशतर जो हिस्सा है वो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान और सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर हिस्से जो हैं वो फ्लड्स की लपेट में हैं तो वो लोग मुश्किलात का सिंध उचार हैं। जबकि यहाँ पर मज़ीद बारिशों की प्रिडिक्शन की गई है जो इस बात की अक्कासी है कि मज़ीद लोगों की मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें।